करनाल में बीते दिनों एटीएम में कैश लोडिंग में लाखों रुपए की गड़बड़ी की बात सामने आई थी। कैश लोडिंग करने वाले कर्मचारियों पर इस गबन का आरोप लगा था। ऑडिट टीम ने 33 में से महज 5 एटीएम की ऑडिट की है और 5 में 86 लाख रुपए कम पाए गए। मामले में CIA2 पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनसे 40 लाख रुपए बरामद किए गए। करनाल से कैश लोडिंग में लाखों रुपए की गड़बड़ी का यह मामला सामने आया था। इसके बाद अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। इसमें 15 तारीख को एक FIR लॉज हुई थी, जिसमें 86 लाख रुपए ATM मशीनों का गबन का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 2 लड़के थे, विजय और सुशील। FIR के मुताबिक ये दोनों लड़के ATM मशीनों में पैसा डालने का काम करते हैं। कंपनी के अनुसार इन दोनों के मोबाइल पे OTP नंबर आता है, जो 4-4 डिजिट का है। जब दोनों का डिजिट मिलता है, तब जाके वो ATM मशीन खुलती है। तो इस लड़के ने, विजय ने, क्या किया कि जो सुशील है उससे पासवर्ड लेके वहीं पे, और उसको तो किसी काम में लगा दिया, और खुद उसने जो ये पैसे थे अपने ATM मशीन में ना डाल के खुद के बैग में डाल लिए। और ये 86 लाख का इन्होंने ये गबन किया था। 86 लाख का 10 तारीख को किया था, 10-11 को, दिवाली से 2 दिन पहले, और फिर 12 तारीख को ये विदेश भाग गया था।